हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन में जो भर्ती आई हुई है यहाँ पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पावर निगम की जो भर्ती है 2021 में आई हुई है, अभी करेंटली उसका फॉर्म चल रहा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या अनुभव अनिवार्य है, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये छत्तीसगढ़ का जो पावर कॉर्पोरेशन है वो केवल अदर स्टेट के लिए नहीं है, ओनली छत्तीसगढ़ के ही निवासी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नंबर वन पॉइंट तो ये रहा। और नंबर सेकंड पॉइंट की हम अगर बात करें तो केवल छत्तीसगढ़ के निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नंबर दो, पहले से संविदा पर कार्यरत ही आवेदन कर सकता है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो बिजली विभाग में पहले से ही संविदा कर्मी हैं वही ही आवेदन कर सकते हैं। नंबर थ्री, रायपुर बिलासपुर 1200 पदों के लिए पूरे राज्य से कोई भी अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो 1200 पद हैं, 1200 पद अलग से निकाले गए हैं, अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए, नंबर फोर पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, जगदलपुर के 138 पदों के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ये 138 पद अलग से इनके लिए निकाले गए हैं, केवल इन्हीं यहीं के निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट हम बताएँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 62 पद ऐसे हैं जो यहाँ के निवासी कर सकते हैं। देखिए, कहाँ के निवासी कर सकते हैं, अंबिकापुर के निवासी कर सकते हैं कि 162 पदों के लिए, और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, इन दो जगहों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि 162 पदों के लिए। देखिए, 1200 पद हैं जो 1200 पदों के लिए ऑल ओवर पूरा छत्तीसगढ़ अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब तो इस वीडियो में आपको मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर दी, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो ये वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।